नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा, जिसका उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार था, वो फाइनली ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। ऐसे में सुशांत की आखिरी फिल्म को दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म की खूब चर्चा हो रही है। हर तरफ दिल बेचारा की ही बातें हो रही। फिल्म दर्शकों को कितनी पसंद आ रही है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप हॉटस्टार बीती रात क्रैश हो गई। दरअसल जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, इसे देखने के लिए दर्शक हॉटस्टार पर उमड़ पड़े, जिसके चलते वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि कुछ देर के लिए वेबसाइट क्रैश हो गई। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा ने रिलीज होते ही एक नया रिकॉर्ड बना डाला। फिल्म दिल बेचारा को इंटरनेट मूवी डेटाबेस यानी IMDB ने 10 out of 10 रेटिंग्स दे डाली, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि अब दिल बेचारा की रेटिंग में कुछ बदलाव आ गया है और इसकी रेटिंग गिरकर 9.8 दिख रही है। बता दें, ये किसी भी फिल्म की अब तक की टॉप रेटिंग। बॉलीवुड फिल्मों में दिल बेचारा IMDB टॉप रेटिंग वाली फिल्म बन गई, यानी सुशांत की इस फिल्म ने रिलीज होते ही हिस्ट्री क्रिएट कर दी। बताते चले कि सुशांत की ये फिल्म पहले मई में रिलीज होने वाली थी। फिल्म को पहले बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते फिल्म की रिलीज टाल दी गई। वहीं जून में सुशांत की मौत हो गई, जिसके बाद फिल्म को सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट के तौर पर रिलीज करने का फैसला लिया गया। कोरोना वायरस के चलते मेकर्स ने फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला लिया। हालांकि सुशांत के फैंस इस बात से शुरुआत में नाराज दिखे, क्योंकि उनके फैंस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज होते देखना चाहते थे। खैर, आपको फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।